भाई शब्द जन्य जो अर्थ है ना भाई, भक्ति शब्द का अपना मतलब क्या है? भक्ति शब्द का अपना अर्थ सेवा हुआ करता है। अगर आप भक्ति करना चाहते हो सेवा करो, आप भक्ति कर रहे हो। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा नर सेवा नारायण सेवा। क्या कहा? महात्मा गांधी के वचन है ये। उन्होंने ये बात महसूस की और कहा नारायण परमात्मा, परमात्मा की अब आप सोचो आप क्या सेवा कर सकते हैं। मैं मन से तो कुछ कह लो और बताओ क्या सेवा कर सकते हैं। पहली बात तो चल धर्म परंपराओं में निराकार है और निराकार साकार बन के आ भी जाता है, पर इतनी सामर्थ्य है आप कि इसको बुला लें आप और फिर आप उसको खाना खिलाएं, आप उससे कुछ करें, उसके सेवा करें, क्या चीज है आप क्या सेवा कर सकते हैं परमात्मा की, क्या आपकी सामर्थ्य है परमात्मा की सेवा करने की। महात्मा गांधी ने कहा नर मनुष्य की सेवा करो, नर की सेवा करना, मनुष्य की सेवा करना, ये परमात्मा की सेवा है। इस बात को गले उतार लिया जाए, जीवन में उतार लिया जाए, अगर आप किसी आदमी की सेवा करते हैं आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। ये इतने अर्थ और महत्वपूर्ण बात है। नर सेवा करो, आदमी की सेवा करो, आदमी से तो नफरतें करे और परमात्मा की भक्ति करते हुए हम चाहते हैं कि परमात्मा नीचे उतर आए, परमात्मा आ जाए, ऐसी बात नहीं बन सकती। बात तभी बनेगी कि जब नर की सेवा करोगे तभी परमात्मा प्रसन्न हो पाएंगे। यही एक बात, सेवा की बात थोड़ी सी और कह लू। भारतीय परंपरा में देवताओं को मतलब बहुत आदर दिया जाता है और तीन शब्दों की बात यहां रख रहा हूं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और फिर कहा अतिथि देवो भव। माता देव है उनकी सेवा करो, पिता देव है उनको देव मान के उनकी सेवा करो, पूजा करो। जो तीसरी बात कही अतिथि देवो भव, अतिथि जो तुम्हारे द्वार के ऊपर आया, परिचित नहीं है, अपरिचित है, कोई आया है, वह जो अतिथि है उसको आप तिरस्कृत मत करो, तिरस्कार मत करो, उसकी उपेक्षा और अवहेलना मत करो। अतिथि देवो भव, उस अतिथि को देव मान करके आप उसके साथ व्यवहार करो। मेरे द्वार पर मेरे घर के ऊपर देव आया है ऐसा मान करके आप चलो तो और उसकी सेवा करो। अतिथि को अपरिचित को इतना बड़ा पद दिया गया तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अतः कहा अतिथिम पूजय, अतिथि की पूजा करो, पूजा अर्थात सेवा करो, फिर समझ लो अतिथिम पूजयित, उसकी सेवा करो, भोजन कराओ, उसको आसन दो, बैठाओ, उसके लिए ऐसा करो। यस्तु से याति पर पापम गतिम, जो अतिथि की सेवा करता है, अतिथि को भोजन आदि से तृप्त करता है, देता है, तो ये मनु की मान्यता है, महर्षि मनु के मनु स्मृति की पंक्ति है जो मैंने आपके सामने कही। उन्होंने कहा वह व्यक्ति जो अतिथि है जिसका आपने सत्कार और पूजा की है, जब वो जाता है तुम्हारे घर के पाप उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं वो पाप उसको लग जाते हैं, इसका अर्थ यह है कि आपके पाप उसके आने से उसकी सेवा करने से घर से निकल जाते हैं। और पाप जब निकल गए घर में क्यों दरिद्रता रहेगी, घर में क्यों दुख रहेंगे, क्यों घर के अंदर बीमारियां रहेंगी जब पाप निकल गए। और दूसरी बात यह है यदि अतिथि का सत्कार किया गया, दुत्कारा गया, क्यों आया यहाँ, क्या रखा है, पता नहीं क्या लोग बोल देते हैं, और वो तिरस्कृत होकर चला जाता है, तो महर्षि मनु ने कहा उस घर के पुण्य के पीछे पीछे निकल जाते हैं। ये पुण्य चले गए व्यक्ति के तो फिर क्या बचेगा, फिर घर के पुण्य निकल गए फिर तो घर में दुख ही दुख और पीड़ाएं पीड़ाएं होंगी, इस तरह का होगा, ऐसी बातें होंगी। तो बंधुओं सेवा का कार्य महान कार्य है, बहुत ही उत्तम कार्य है,
ऐसे कार्य करते रहना चाहिए, सामाजिक स्तर के ऊपर भी, व्यक्ति स्तर के ऊपर भी, जिससे जो बन सके जहां तक हो सके सेवा करो, जरूरतमंदों की, गरीबों की आवश्यकता जिनको है उनकी सेवा करोगे तो इसका महान और उत्तम फल होगा। बातें तो और भी हैं, शायद नीचे भी कुछ लोगों को ड्यूटी देनी है, इसलिए ये चर्चा को विराम दे रहा हूं। बंध हो शक्तार मंत्री की बात चल रही थी। शक्तार विद्वान था, वफादार था राज्य का, राजा का, राज्य का बड़ा ख्याल रखता था, कहीं पर कोई किसी तरह की कोई त्रुटि न हो। दो बार तो उसने ऐसे उस चक्रव्यूह का भंडा फोड़ किया, एक बार तो उसने श्लोकों को लेकर, एक बार गंगा में वो यो नाटक रचा कि नीचे यंत्र दबा करके हाथ बाहर आता और गंगा माता इनाम देती है इस बात का। लोगों ने कहा शक्तार वाक्य में ऐसा मंत्री है जिसके होते हुए कोई गलत बात चल नहीं सकती, इस तरह राज्य की सुरक्षा करता हुआ वह राज्य का पालन कर रहा था। कुछ बात परिवार पर आते हैं। दुनिया की एक कहावत है कि जो आदमी किसी से नहीं हारता वो अपनी औलाद से हार जाता है। ये दुनिया के लोग कहते, अपने संतान से हार जाता। शक्तार के दोनों बेटे स्थूलभद्र और श्रीयक, श्रीयक अभी छोटा है, स्थूलभद्र युवा हो गए, पढ़ाई भी पूरी हो गई, उस जमाने में जो भी थी, 72 कलाओं का जिक्र आता है, उसने सब कलाएं सीखी। उन कलाओं में एक कला संगीत कला है। अब ये व्यक्ति की कहूं, पढ़ने वाले की कहूं, अपनी अपनी रुचि होती है। कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जाना पसंद करता है, कोई डॉक्टर बनना पसंद करता है, किसी को राजनीति पसंद आती है, सबके अपने अपने रुचि होती है। ईसाइयों के यहाँ पढ़ने में आया, कोई टिप्पणी नहीं है, वैसे बात पढ़ने में आई, जैसे यहाँ पंडितों से पूछते हैं ना जन्म पत्र में भी, क्या करेगा, क्या बनेगा, क्या पढ़ेगा। हर परंपराओं में तरह तरह के रिवाज हैं। एक ईसाई पादरी था, उसको ज्योतिष का ज्ञान था, लोग उसको पास जाते थे पता करने के लिए भी क्या करें कैसे। एक परिवार अपने बच्चे को लेकर आया और कहा जी हम इसको किस लाइन में डालें, था छोटा ही, किस लाइन में डालें, ये क्या बनेगा जरा बताओ देखो। बोले बता देता हूं देखता हूं। सब बैठ गए, वह अंदर से बाइबल निकाल करके लाया और बाइबल उसने कपड़ा बिछाया उसके ऊपर रख दी और उसके साथ में जो व्यापारियों के चीजें होती हैं, जिसे उदाहरण में भारतीय परंपरा में तराजू होती है, कुछ और चीजें, कुछ तरह के खिलौने, कुछ खाने की चीजें, वो उसके आसपास रख दी और कहा ये कि मैं मंत्र पढ़ूंगा, बच्चा जो चीज उठा लेगा वो उसकी लाइन बनेगी। ठीक है जी, बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे ने खाने की चीजें भी उठाई, खिलौने भी उठाए और आखिर में बाइबल के ऊपर जाकर बैठ गया, सारी चीजें समेट ली, सारी चीजें ले ली, गोदी में रख लोने ले ली और ले ली। और उसको
बड़ी मुश्किल पड़ी, बताए तो बताएगा, एक चीज उठा लेता तो कह देता भाई ये बनेगा, ये इसकी ये लाइन बनेगी, माँ बाप भाई देखें अब क्या होगा। वह जो व्यक्ति था बताने वाला पादरी, बोले भाई ये बनेगा राजनेता। बोले वो कैसे? बोले बाइबिल की कस्में खाएगा, दुनिया का धन खाएगा, दुनिया का खिलौना बनाएगा, दुनिया का ये करेगा, ये क्या बनेगा? कोई राजनेता बैठा तो बुरा नाम मान जाना भाई। दुनिया विचित्र है, सबके अपने अपने रुचियां। जो ये स्थूल भद्र था, इसको सबसे ज्यादा बेहतर कलाओं में से संगीत प्रिय लगा। मैंने कहा ना अपने अपने रुचि है। और अगर वैसे आसान से भाषा में कह दें वो ये कि भाई संगीत का मास्टर हो गया। इसको इतना प्रिय लगा संगीत, सभी तरह के वाद्य गाने जो भी कुछ संगीत की लाइन में होता है सब इसने सीखा। एक बार नगर में कोई कार्यक्रम आयोजित था, उसमें संगीतकारों का ही कार्यक्रम था, तो स्थूल भद्र मंत्री का बेटा था, इसलिए नहीं मैं कलाकार हूं, इसलिए वह अब कलाकार की हैसियत से उस सभा में गया। और देश के कलाकार आए थे और उसमें बंद वो कोशा भी आई थी, कोशा भी युवती थी और संगीत के उच्च कलाकार थी। प्रतियोगिता कहो जो कुछ था, प्रस्तुतिकरण शुरू हुआ हुआ सब ने प्रस्तुत किए, उसमें प्रथम जो रही वो कोशा रही। उस दिन जब प्रथम पुरस्कार उसको मिला तो स्थूल भद्र के मन को एक चोट सी लगी। बोले मैं सोचता था कि मैंने संगीत के बारे में सब कुछ जान लिया और मैं सबसे ऊंचा ज्ञाता हूं, झूठी बात रही। ये कोशा सबसे ज्यादा कलाकार निकली। मन में तो क्या आया था उस समय, बोले ठीक है कोई छोटा हो बड़ा हो, गुण जिसके पास सीखना चाहिए, पुरुष हो स्त्री हो ये कुछ नहीं भाव होता, जिसमें गुण है उसे सीखना चाहिए। उषा को तो इतना ज्ञान है इस कला का, इससे कला सीखनी चाहिए। हालांकि कई लोग इसको स्वाभिमान का प्रश्न बनाते, आदमी और सीखेगा एक स्त्री के पास जाके सीखेगा, पर उसके मन में ये नहीं आया। उसने कहा भाई इतना इसमें गुण है, ये कला है, सीखना चाहिए। और उसने अपने पिता से कहा पिताजी मैं कोशा के यहां जाकर के अपनी कला को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। नहीं बेटा तुम्हारा वहां क्या काम है, वो तो नर्तकी है, ऐसा है, ऐसे है, प्रतिष्ठा किसी बातें कही। बोले पिताजी गुण है ये तो, किसी से भी लेने चाहिए, आप ऐसा क्यों कहते हो? आग्रह किया बेटे ने, पिता को झुकना पड़ा। बोले अच्छा ध्यान रखना इस बात का, गुरु महाराज की। अच्छा जी झिड़ियन साहब, वाह जी वाह, गाजीबाद श्री संघ अध्यक्ष मुनि महाराम संघ के अध्यक्ष श्रद्धाशील सुश्रावक भाई झिड़ियन, हाँ जी हाँ जी आए हैं। बंधु वो स्थूल भद्र ने पिता से कहा कि मैं ये कला सीखना चाहता हूं और उससे मैं सीखना चाहता हूं। पिता मजबूर हो गए, बोले चल एक बात सुन, अपने आप को बचा के रखना, यहां मैं कुछ बात बताने लगा था। एक बार पूज्य गुरु महाराज के पास में, योगी राज जी की बात है, एक व्यक्ति आया और मैं गुरु महाराज के पास बैठा था, मेरी दीक्षा हो चुकी थी। वो बोला जी गुरु महाराज से एक गुरु महाराज सलाह लेनी है।
बोले बात देख, दुनियादारी की सलाह तो मांगियो मत, कोई फायदा नहीं, कोई धर्म ज्ञान की बात पूछने पूछ ले। वो चुप हो गया, मुंह लटक सा गया। बोले क्या बात हुई? बोले जी है तो दुनियादारी की बात। बोले फिर क्या करेंगे? बोले जी मेरी सुन तो लो। उसने जी मेरे नहीं याद बात, उसने एक अपने व्यापार की बात बताई। वो ऐसे बात बताई उसने कि जी ये काम है और इसमें कुछ तो मीट के डिब्बों का विदेश से आयात होता है, मैंने उधर तो जाना नहीं है, मैंने तो दूसरी तरफ जो है वो वाला मैंने इसका वो लेना है। तो जी इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना काम बिल्कुल शाकार कर रखूँगा, लेकिन कंपनी दोनों चीज़ें सप्लाई करती है, तो वो जिसको वो लेना होगा वो ले, मैं तो शाकार की बात लूँगा। गुरु महाराज ने उसमें एक दोहा पढ़ा, वो बोले काजल के कोठड़ी में कैसो ही सया न जाए, एक लीक लागे लागे है पे लागी है। अरे भोले ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए कि काजल के कोठड़ी में कोई कितना सयाना होकर चला जाए, कहीं न कहीं कहीं न कहीं दाग लगेगा। ऐसे खराब जगह जहां पर दो दो काम होते हो, ऐसे जगह जाया करें क्या? वो नहीं गया। बोले बस इतना ही था, गुरु का वचन इतना ही। ऐसी जगह जाने में जहां पर इस बात का संदेह हो या संभावना हो कुछ गलत हो सकता है, वहां जाना नहीं चाहिए। पिता ने तो यही कहा तू मत जा, लेकिन बेटे को जिद थी, बोले मैंने संगीत सीखना है और जितना मैंने सीखा है इससे आगे सीखना है। उसने जाना शुरू कर दिया। किसने? स्थूल भद्र ने। कहां पर? कोशा के यहां। ये इनका परिचय इस रूप में हुआ। वह हर रोज जाता, संगीत सीखता। कोशा की बात पुनः यहां बताना चाहूंगा। अपने जमाने की वह इतनी महान नर्तकी थी, और महान शब्द आप कहोगे ऐसे लोगों के लिए, कला के लिए महान शब्द का प्रयोग है, इतनी महान कलाकार थी, अद्भुत थी।